अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अली मुबशर, आप देख रहे हैं एमबीके स्टूडेंट केयर लाइन, और आज हम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और पंजाब के तमाम बोर्ड्स की जनरल रियाजी का सवाल नंबर मशक नंबर 1.2 में से सवाल नंबर 9 यानी कि आखिरी सवाल हल करने लगे हैं कि रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है, रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। तो सवाल आप समझ लें कि सवाल ये क्या कह रहे हैं, सवाल ये कह रहे हैं कि रहील की आमदनी जो है वो रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 25%। तो रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितनी फ़ीसद कम है? बस इतना सवाल है आपका कि रहील की आमदनी ज़्यादा है 25%, तो रऊफ की कितनी कम है। तो अब ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो बहुत आसान है। फ़र्ज़ कर लिया, सबसे पहले हम रऊफ की आमदनी फ़र्ज़ करते हैं। जब आप फ़र्ज़ करने लगे तो आप कुछ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। आप ये भी फ़र्ज़ कर सकते हैं कि मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, बल्कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ। फ़र्ज़ करने में क्या अर्ज है जी? फ़र्ज़ करें रऊफ की आमदनी बराबर है 100। जब भी आप परसेंटेजेस में काम कर रहे हो और आपको सिर्फ परसेंटेजेस ही जो है वो निकालनी हो, तो मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि आप जो फ़र्ज़ करें वो 100 ही फ़र्ज़ करें। हालांकि ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लें तो बेहतर है, ठीक है। तो आप कुछ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं लेकिन 100 फ़र्ज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फ़र्ज़ किया रऊफ की आमदनी जो है वो है 100 रुपये। अब 100 रुपये रऊफ की आमदनी है तो रहील की आमदनी इसकी क्या होगी? इतनी ज़्यादा है 25%। 25/100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास परसेंटेज निकल आई, अमाउंट निकल आएगी कितनी अमाउंट इसकी ज़्यादा है। तो ये 100 से कट गया तो पीछे बचा 25। तो 25 रुपये जो है वो रहील की आमदनी क्या है ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है? 25 रुपये। तो टोटल कितनी हो गई? सौ जमा 25, क्योंकि ये 25 रुपये तो इस अमाउंट से ज़्यादा है। तो आप इन दोनों अमाउंट्स को जमा करेंगे तो आपके पास इसकी कुल आमदनी आएगी जो कि होगी 100 जमा 25 बराबर 125, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि रऊफ की कितनी कम है। ठीक है, 125 रुपये बनी है राहील की, और रऊफ की कितनी कम है? कुल उसकी आमदनी कितनी है? 100 रुपये मनफी 100, तो जवाब आएगा 25, ठीक है। तो रऊफ की कितनी आमदनी कम है? 25 रुपये कम है। तो अब आपने बहुत ही सिंपल करना है कि रऊफ की आमदनी कम फीसद में कितनी है? कितनी कम है जी? 25 रुपये। 25/ कितनी अमाउंट है उसकी राहील की? 125। 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, 25/100 बराबर होगा 2500। 2500 डिवाइडेड बाय 125, 25 ज़रबे 100, 125 और इसको तकसीम करेंगे 125 पे, तो आपके पास जवाब आएगा 20%। तो रऊफ की आमदनी जो है वो है 20% कम। तो ये आपका जवाब निकल आया है।
आज के सवाल के अंदर मैं बहुत ज्यादा स्टक हो गया था और इसका क्रेडिट जो है मैं दूंगा सर इसहाक को, क्यों ने मुझे समझाया था कि जनाब ये इस तरह निकलेगा, क्योंकि मैंने बड़ा जोर लगाया था लेकिन मैं स्टक हो गया था, मुझसे ये सवाल हल नहीं हो रहा था, पर उन्होंने समझाया तो मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गया और आपको भी इंशाल्लाह उतने ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, समझ नहीं आया तो डिसलाइक करें और साथ कमेंट करें कि आपको कहां से समझ नहीं आया, ताकि हम आपको उसको मजीद बेहतर तरीके से समझा सकें। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए।